जय हिंद ऑल इंडिया एस्पिरेंट्स सो नाउ यू आर वेरी क्लोज टू योर एग्जाम आई वुड लाइक टू शेयर लास्ट मिनट टिप्स सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस इज आदित्य दुबे एंड आई हैव रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस ट्रेनिंग यू ऑल अबाउट वो कैबरी सेगमेंट ग्रामर सेगमेंट इट हैज रियली रियली हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स मैं आप सभी से सजेस्ट करना चाहता हूं कि जो आपने प्रिपरेशन की हुई है वो आपका एक अलग मोड था अब आप आ रहे हैं परफॉर्मेंस मोड पे तो जब आप परफॉर्मेंस मोड पे आ जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका माइंड सबसे पहले रिलैक्स्ड रहे आपको हैफेजर्डनेस बिल्कुल नहीं लानी है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और परेशान क्यों हो क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको सिलेबस भी पता है और लकली देअर हैज बीन नो चेंज फॉर लास्ट मेनी ईयरस इन द सिलेबस टेन सिनोनिम्स टेन एंटोनिम्स टेन ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड टेन स्पॉटिंग एरर्स एंड टेन पी क्यू आर एस ये आपका सिलेबस है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है माइंड का रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है क्योंकि रिलैक्सड अगर माइंड होगा तो रिविजन आप अच्छा कर पाएंगे और रिविजन के दम पर आप अपने वोकैबलरी सेगमेंट को इम्प्रूव और बेटर बना पाएंगे इन कुछ दिनों में इनफैक्ट एग्ज़ाम से पहले भी अगर आप थोड़ा सा अपना समय रिविजन में दे देते हैं रिलैक्स तरीके से तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि 30 क्वेश्चंस वोकेबलरी के हैं जो कि एक मेजर सेगमेंट है और वोकेबरी सेगमेंट में मैंने ऑलरेडी आप सभी से शेयर किया है तरीका जिसमें आप वर्ड्स को बहुत आसानी से रिलेट करके उसके प्रोनाउंसिएशन से आप अपने माइंड में रख सकते हैं सो दे हैज़ बीन नो डिफ़िकल्टी सो फार आप सभी का फीडबैक मुझे मिलता रहा है दिस हैज़ बीन रियली अ ग्रेट ट्रिक एंड यू ऑल हैव शेयर्ड योर फीडबैक विद मी। अब मैं टिप्स की बात करता हूँ जो कि आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखनी है उससे पहले आपको कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है जिससे आप अपनी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को मेंटेन कर पाए सबसे पहला पॉइंट सिनोनिम्स में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है वर्ड का मीनिंग समझने याद रखने और उसे एक्सपीरियंस करने की सो so, बहुत समय से आप वर्ड के मीनिंग्स को पढ़ते चले आ रहे हैं तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है एंटनिम्स में ऐसा एक्सपीरियंस कई स्टूडेंट्स ने शेयर किया है एग्जाम के बाद कि वो भूल गए थे कि एंटोनिम्स पूछा गया था एंड यू का जो तरीका है एग्जाम को कंडक्ट कराने का वास्तव में वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही स्पेशल है क्योंकि एंटोनिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें मीनिंग भी एक ना एक ऑप्शन में दिया रहता है और जैसे ही वर्ड का मीनिंग मिलता है बच्चों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि मिल गया काम हो गया लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन एंटोनिम का है इसलिए हमें उसका ऑपोजिट फाइंड आउट करना है सो टेन क्वेश्चन आपको स्पेशल केयर रखनी है अपने को जगा के रखना है अलर्ट रखना है फोकस्ड रहना है कि भई हम एंटोनिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमें इसका ऑपोजिट बताना है सो so, यही एक ऐसा सेगमेंट है वोकैबरी का जिसमें आपको विशेष ध्यान रखना है एंड थर्ड पॉइंट ईडियम्स एंड फ्रेजेज एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ईडियम्स एंड फ्रेजेज में आप क्वेश्चन के ऑप्शन को देख करके और अपने प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका मीनिंग आप फाइंड आउट कर लेते हैं ये एबिलिटी आप सभी में है इसके साथ साथ आपने इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेज ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उनको एक बार एग्जाम से पहले आप रिवाइज करिएगा सिनोनिम्स को रिवाइज करिएगा एंटोनिम्स भी आप रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि यू पी एस सी का जो पैटर्न है क्वेश्चंस को फ्रेम करने का वो बहुत ही स्पेशल है तो कुछ क्वेश्चंस आप एंटोनिम्स के भी सॉल्व करें बाकी ग्रामर को लेकर के मैं बस यही कहना चाहूँगा कि स्पॉटिंग एरर्स में आपका माइंड अगर रिलैक्स्ड है बेहतरीन आप एनालिसिस कर सकते हैं जो भी आपने डिसीजन लिया है कि इस सेक्शन में एरर है आपका लॉजिकल एनालिसिस अगर है बी श्योर अबाउट दैट डोंट बी इन डिलेमा और अगर आपको कोई सेंटेंस लग रहा है कि प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा है तो उसमें भी जबरदस्ती एफर्ट्स मत करिए कि हम तो एरर निकाल के ही रहेंगे क्योंकि ये स्पॉटिंग एरर है ऐसी जबरदस्ती आपको नहीं करनी है इफ यू आर श्योर कि द सेंटेंस इज गिविंग प्रॉपर सेंस आप नो एरर मार्क करिए बात करते हैं रीडिंग स्किल्स की जिसमें आप सभी बहुत पारंगत हैं आप रीडिंग करते ही रहते हैं इंग्लिश में बातचीत करते रहते हैं आप सभी में इतनी स्किल्स हैं कि दिए गए जंबल्ड सेंटेंस को एक प्रॉपर ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं आई एम वेरी श्योर अबाउट इट मैं इसलिए श्योर sure हूँ क्योंकि मैं आपके रिस्पॉन्स को एसेस करता रहा हूँ और मैं आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से हमारे सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के स्टूडेंट्स के बारे में ये रिव्यू मैं दे रहा हूँ कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से स्टूडेंट्स ने जो तैयारी की है उनका जम्बल्ड सेंटेंसेस का एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा रहा है और यूपीएससी कितना भी टफ लेवल का एग्जाम करें आप में वो स्किल्स हैं कि रिलैक्स्ड माइंड के साथ आप उस सेंटेंस को आसानी से एक सही ऑर्डर में लगा सकते हैं स्टूडेंट्स ये कुछ थी टिप्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आप सभी के साथ शेयर की अगर आपको और भी कोई डाउट है तो जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा मैं अपना अलग से टाइम निकाल करके आपकी क्वेरीज को जरूर लूंगा और उन्हें सॉर्ट आउट करूँगा और लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ जस्ट अ फेज़ ऑफ योर लाइफ दिस इज़ नॉट द फाइनल वॉर राइट देर इज़ नो फाइनल एज सच टेस्ट आपकी लाइफ में एग्जाम्स के बहुत सारे एग्जाम्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं और ये उनमें से एक है इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत रहिए ऐसा मत महसूस करिए कि व्हाट इफ आई डोंट मेक इट इसकी बजाय बल्कि आप खुश होइए कि आई एम ग्लैड टू अपीयर इन दिस एग्जाम ईश्वर की असीम अनुकंपा है आप पर कि आपने इस करियर को सेलेक्ट किया है और आप इस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं अपने पेरेंट्स अपने इष्ट देव का बहुत बहुत धन्यवाद करें और इस एग्जाम को सहर्ष स्वीकार करें हैप्पीनेस आप में होनी चाहिए इस एग्जाम को एक्सप्लोर करना आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऐसा कोई भी मन में विचार ना लाए कि इफ आई डोंट मेक इट दैन वॉट इज गोइंग टू बी माई नेक्स्ट ऑप्शन मैंने कहा प्रिपरेशन परफॉर्मेंस तो ये आपका परफॉर्मेंस मोड है इसमें आप परफॉर्मिंग सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ रहिए परफॉर्मिंग मोड में रहिए और जितनी प्रिपरेशन आपको करनी थी जितने मेहनत आपको करनी थी वो आपने बखूबी की है वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आप में है वो ग्लोनेस आपके फेस पे है क्योंकि आपने अपने स्तर पे अच्छी तैयारी की है सिंसियरिटी मेंटेन करके रखी है और जो अपने एफर्ट्स से सेटिस्फाइड होता है उसके मन में कामनेस जरूर रहती है सो so, इन्हीं टिप्स के साथ मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा बेस्ट विशेष टू यू ऑल एंड गेट योर ड्रीम करियर जय हिंद जय भारत सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवा का हिस्सा हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का हिस्सा आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी